हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बेस्ट रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बताएंगे घी बनाने की सबसे आसान तरीका। तो आज हम घी बनाने जा रहे हैं। थोड़ी सी मलाई से ढेर सारा घी आप घर पर बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। और वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक जो भी मेरे वीडियो आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहीं पर हमने एक कटोरी छाली ले ली है, जो दूध का होता है छाली, तो वही हमने जमा करके इसको छाली और मलाई जो भी बोलिए, तो हमने मलाई ले ली है। तो मलाई ले ली है तो इसको अच्छी तरह से हमने घाट लेंगे। इसको अच्छी तरह से उधर घटनी से घाटने के बाद इसको सारा हम मलाई को हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से मेरा घट आ रहा है, मिक्स हो रहा है। तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, एक तरह जगह वो बैठ जाता है और बहुत अच्छा हाथ में बंधने लगता है। तो समझिएगा कि मेरा हो गया। तो मेरा मलाई अच्छी तरह से आ रहा है और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो देख लीजिए मेरा छाली था जो भी, तो घी बन के मेरा तैयार हो गया, मतलब मलाई बन के तैयार हो गया। मक्खन टाइप का होता है ना, वो मक्खन बन के तैयार हो गया। तो देखिए हाथ में बंद रहा तो समझिए कि आपका हो गया। तो अब इसी में आप पानी डाल देंगे। तो पानी इसमें हम डाल के सारे अच्छे तरह से को निकाल लेंगे। तो इसका जो मक्खन है आप इसका घी कर लीजिए, और इससे जो निकलता है इसका मट्ठा बोला जाता है, चाहे लस्सी बोलिए कुछ भी बोलिए। इस लस्सी को आप चीनी में डाल के पी सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इतनी सारी मलाई से इतना सारा मेरा मक्खन तैयार हो गया है। तो अब हम चूल्हा पर एक पैन सस्पेंड चढ़ा दिए, गैस को ऑन करके, और उसको मीडियम कर दिए। मीडियम करके इसको हम बनाएं घी को करकाएंगे। तो अब खास ध्यान दीजिएगा कि तेज नहीं करना है, मीडियम करना है। मीडियम ही करिएगा, कम करके करकाइएगा घी, तब आपको बहुत अच्छा जब बनेगा, नहीं तो जल जाएगा। तो ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। घी जब हल्का सा ही, जब लाल हल्का सा हो जाए पीला पे, तब आप गैस बंद कर दीजिए, नहीं तो घी जल जाएगा। तो देखिए मेरा घी गरम हो गया है, इसका सारा घी इसमें से मतलब मक्खन में से निकल गया है। देखिए कितना अच्छा घी बन के तैयार हो गया है ढेर सारा। तो थोड़ी सी मक्खन में हमने 250 के करीब में हमने घी निकाल लिए। तो यहीं पर हमने गैस को बंद कर देंगे। तो गैस हमने बंद कर दिया है, ठंडा हो जाएगा तो इसको हम छान लेंगे। तो आप किसी कटोरी में छानिए, चाहे आपके पास रखने वाला कोई बॉल हो डिब्बा तो उसमें डाल सकते हैं। तो हमने बंद कर दिए गैस पर, हमने चढ़ा के रख दिए थे इसलिए थोड़ा सा लाल हो गया, पर गैस हमने बंद कर दिए थे फिर भी ये लाल हो गया। तो आप लोगों को खास ध्यान देना है कि इसको जलाना नहीं है, जलाइएगा तो ज़्यादा घी जल जाएगा। देखिए इतनी सारी मलाई से इतना सारा घी बन के 200 तैयार हो गया है मेरा। तो मेरा अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप घर पर बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से बनाइएगा घर पर ही। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, बाय।